हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मल्टीपैकर वर्ल्ड। तो गाइस, जैसा कि मैं आपको इंटरडे कॉल्स दिया करता हूँ, लास्ट मैंने आपको जो इंटरडे कॉल्स दिए थे वो 2 नवंबर के लिए अब मैंने आपको दिए थे, और इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ 9 नवंबर के लिए इंटरडे कॉल्स। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मोमेंट जैसा भी आपको दिखाई दे रहा है वैसा स्टॉक मार्केट में, स्टॉक्स के अंदर आप अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप फंस जाते हैं। तो सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि मार्केट में किस तरह का मोमेंट चल रहा है। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से लोगों को शेयर करें ताकि ज्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सके और सभी को मार्केट में प्रॉफिट हो सके। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी 9 नवंबर के लिए इंट्राडे कॉल। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले जैसे कि मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल विजिट करवाया करता हूँ, ये हमारा एक पेड चैनल है टेलीग्राम पर, जिसको आप भी ज्वाइन कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर। तो यहाँ पर आप जब भी ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको लाइफ टाइम के लिए ही ज्वाइन किया जाता है, सिर्फ आपको वन टाइम पेमेंट करनी होती है लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए। और यहाँ पर जो भी कॉल दिए जाते हैं प्रॉपर टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ ही दिए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो मार्केट में मूवमेंट रहा है फ्राइडे के दिन, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर वर्स्ट मूवमेंट रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट में सिर्फ 15 मिनट के अंदर जो मूवमेंट आना था वही आया, फिर उसके बाद जो मोमेंट रहा है बहुत ही ज़्यादा वॉलीडाइल और कंसोलिडेट रहा है, जिस वजह से मार्केट में ट्रेड कर पाना बहुत ही मुश्किल था। क्योंकि मार्केट में आप जब भी ट्रेड करते किसी की स्टॉक के अंदर, किसी भी स्टॉक के अंदर, तो वहाँ पर आपका अमाउंट फंस सकता था। तो यहाँ पर हमने जल्द से जल्द इसमें प्रॉफिट बुकिंग करवा दी थी, यहाँ पर भी देख सकते हो। और उससे पिछले जो आपको दिन दिखाई देंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे कॉल्स रहे थे, तो यहाँ पर भी हमने 2 कॉल्स लिए थे थर्सडे मार्केट में, तो इसमें भी हमारे टारगेट अचीव हो गए थे। तो यहाँ पर आप अगर ऐड हो जाते हो तो जो भी आपको कॉल्स मिलते हैं उनमें आप काम करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो गाइज, यहाँ पर आप जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। लाइफ टाइम मेंबरशिप लेने के लिए आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना होगा और यहाँ पर आपको ऐड कर दिया जाएगा लाइफ टाइम के लिए। तो चलिए गाइज, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारे 9 नवंबर के लिए इंटरडे कॉल्स। तो गाइज, ये रहे हमारे 9 नवंबर के लिए इंटरडे कॉल्स। तो गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे साथ डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो अपस्टॉक्स में, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मार्केट में जितना भी ज़्यादा मोमेंट रहा था, बैंकिंग स्टॉक काफ़ी अच्छा मोमेंट दिखा रहे थे, बट कुछ ही स्टॉक थे बैंकिंग स्टॉक में भी जो अच्छा खासा मोमेंट दिखा रहे थे। बाकी स्टॉक्स की बात करें तो फार्मा स्टॉक्स में गिरावट आनी ही थी, और हो सकता है कि मंडे मार्केट में भी उसमें गिरावट देखने को मिले। तो यहाँ पर हम उसी के मुताबिक स्टॉक्स लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी हमने स्टॉक लिए हैं, मार्केट में इतने ज़्यादा कन्फर्मेशन वाले कॉल नहीं मिल पा रहे हैं जितनी कि हमें ज़रूरत है, बट जो भी हम कॉल यहाँ पर लेकर चल रहे हैं ये भी आपको 80% कन्फर्मेशन दे रहे हैं आपके टारगेट अचीव करने की। तो यहाँ पर हम सबसे पहला कॉल लेकर चल रहे हैं एशियन पेंट्स का। एशियन पेंट में आप देख रहे हो कि काफ़ी अच्छी यहाँ पर रैली बनी हुई थी, बट इंट्राडे के लिए ही ये ठीक है अभी के टाइम, क्योंकि रैली के मुताबिक आप चलोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पर आप सेल की पोजीशन ला के चलेंगे मंडे मार्केट के लिए 2203 से, हमारा टारगेट रहेगा 2181 का और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 2225 का। और यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा सेकंड कॉल जो है वो है हमारा सन फार्मा का। जैसे कि मैंने आपको कहा कि फार्मा स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली थी और रिवर्सल क्रिएट करते हुए ही ये क्लोजिंग देते हुए बंद हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि स्टॉक्स में जो भी पोजीशन फार्मा स्टॉक्स में दिखाई दे रही है वो सब की सब सेल में ही दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप ज़्यादा फोकस करके चलिएगा जिसमें ज़्यादा कन्फर्मेशन दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हम सेकंड कॉल सन फार्मा का ले रहे हैं, तो सेल करके चलेंगे 506.50 से, हमारा टारगेट रहेगा 501.44 का, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 45 आप उसको कर लीजिए, और यहाँ पर हमारा 511.6 का स्टॉप लॉस रहने वाला है। स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करके चलें अगर लॉन्ग टर्म में टिके रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप थर्ड कॉल देख सकते हो सिप्ला का हमने लिया है, कैडला में भी हमने लिया था इंटरडे के अंदर, हमने पोजीशन देख के चल रहे थे बट बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया था उसने, 12:30-1 बजे के बाद ही मोमेंट दिखाना शुरू किया था, तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया था उसने और ऊपर नीचे वॉलीटाइल भी हो रहा था वो 2-3 पॉइंट के साथ, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिस्की दिखाई दे रहा था, जिस वजह से हमने इंटरडे में तो उसको नहीं ले पाए बट नज़र बना के रखी थी। तो उसमें जब गिरावट आई है तो बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी हमको। और यहाँ पर हम देखेंगे थर्ड कॉल जो है हमारा सिप्ला का, तो हम इसको सेल करके चलेंगे 786.50 से, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 778.60 का स्टॉप लॉस, और टारगेट है हमारा और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 794.40 का। तो गाइज़, यहाँ पर मैं अपने पूरे कॉल्स कंप्लीट कर चुका हूँ। तो गाइज़, उम्मीद है कि आप सभी के यहाँ पर टारगेट बुक हो और आपको सभी को प्रॉफिट हो। तो गाइज़, अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए गुड बाय, शुक्रिया।